हम में से बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं और 100 में से 90 या फिर 80% फीमेल ऐसी हैं जिनकी लाइफ में हल्का सा हादसा हुआ या फिर कोई भी बड़ी बात हुई, ओवरथिंकिंग एंड स्ट्रेस से पूरा शरीर खराब करती हैं। मैं मानती हूँ हादसे कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे, हमारे पूरे हॉर्मोन्स पे, दिमाग पर। नींद नहीं आना, ओवरथिंकिंग करना, एंजाइटी लेना, होना कुछ नहीं है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, कुछ नहीं निकलना, बॉडी को बिल्कुल एग्जॉस्ट कर देना, बॉडी को 20-20 घंटे लगातार काम कराते चलना, या फिर मेरी जैसी बहुत सारी इंडिपेंडेंट लेडीज़ होंगी जो कि ये सोचेंगी यार आज करियर बना लेती हूँ बाद में देखा जाएगा। बट मैंने अपने अंदर बहुत सारे सुधार करे हैं पिछले 3 से 4 सालों के अंदर, लेकिन बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके से मेरे साथ कनेक्टेड हैं जो कि ये कहते हैं कि आज हमने कर लिया है बाद में देखा जाएगा। जब बात आती है देखा जाएगा तो क्या देखा जाएगा? PCOD, इरेगुलर पीरियड्स, एक्ने, पूरा फेस चिन बालों से भरा हुआ, यहाँ तक कि स्किन बिल्कुल ब्लैक होगी, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वाइट होगा, पिगमेंटेशन, मूड स्विंग्स भी इस तरीके से कि खुद को हिट करना या सामने वाले को हिट करना, कभी भी रोना, कभी भी हंसना, किसी भी बात पे ओवर रिएक्ट करना, फिर शाम को जाके या रात को कहीं सोचना कि यार ये तो मैंने बड़ा गलत बिहेवियर दिखा दिया था, पूरा दिन ओवर थिंकिंग की दुकान बन के घूमते हैं। और उसकी हेल्प से क्या मिलता है आप लोगों को? ब्लड रिपोर्ट्स जो कि बिल्कुल ही ख़राब होती हैं, आयरन की डेफिशिएंसीज, वाइटामिन D3 की डेफिशिएंसीज, आपका B12 बिल्कुल ज़ीरो हो चुका होता है, आपका HP लेवल बिल्कुल गिर चुका होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके हॉर्मोन्स की जो रिपोर्ट होती है वो बिल्कुल डिस्टर्ब आती है। एंड अगर तब भी आप नहीं फुल स्टॉप लगाते या तब भी आप नहीं सुधरते, आपका शुगर प्री डायबिटिक और डायबिटिक की जो रिपोर्ट है अगेन ख़राब आती है। सो पॉइंट ये आता है कि कैसे सुधार करें, किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेके चलें, करियर भी बनाना है, स्ट्रेस भी है, घर वालों को भी देखना है, पेरेंट्स को भी देखना है, और अपने आप को फिट भी करना है। इन सब का सॉल्यूशन कहाँ से निकालें? इन सब का सॉल्यूशन निकलता है आपका लाइफस्टाइल से, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, आपका बैलेंस करना चीज़ों को लेकर, जहाँ आप पूरा जगत संसार दुनिया सब बैलेंस कर रहे हो, आपको अपनी मील्स, अपने टाइमिंग्स, आपके सोने के टाइमिंग्स, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को भी बैलेंस करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जो अपना घर चला रही हैं, कुछ तो ऐसी हैं कि घर के साथ साथ 10 घर और चला रही हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इतनी सारी फीमेल्स इस तरीके से देखी है जिनके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर है, जिनके ऊपर अपने भाई बंधुओं को सेटल करने का प्रेशर है, जो खुद के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हैं। बट अगर आपको कुछ हो गया, उन लोगों के बारे में कोई और नहीं सोचेगा। सो सबसे पहले मोटिव क्या आता है कि आपको ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है सुमन एंड वेलकम टू फैक्ट टू फैब। एंड आज मैं लेके आई हूँ PCOD डाइट प्लान। PCOD की पेशेंट मैं बहुत पहले रही हूँ एंड 2016 से मेरे जो पीरियड्स हैं बिल्कुल रेगुलर हुए हैं। उससे पहले बचपन से ही माशाल्लाह मेरे साथ तो इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, एंड मेरी एंटायर फैमिली के अंदर बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जिनके साथ सेम इश्यूज हैं, सेम इश्यूज। मेरी फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं जिनको लाइक कैंसर तक हुआ है यूट्रस का। नाउ पॉइंट इज कि PCOD किस तरीके से क्योर किया जाता है और PCOD क्योर होगा भी कि नहीं होगा, ये सब चीज़ों का ना एक सवाल क्रिएट होता है। और बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स और मेल्स इस तरीके से लिखते हैं कि PCOD की वजह से डिवोर्स हो रहा है, बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा, बच्चे के प्रेशर में 2 बार IVF कराना, IUI कराना, इलाज कराना, बहुत सारे हार्मोनल इंजेक्शन्स लगवाना, और मतलब कि बहुत तरीक़ों के इलाज कराते 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 शरीर की बैंड बच जाना। एंड ऑफ द रिज़ल्ट डॉक्टर एंड गायनी सीधा बोल देती है वेट लॉस करो, पहले ठीक हो, उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट पे आएंगे। मुद्दा ये है कि बिना PCOD ठीक करे आप कंसीव पे जाओ ही मत, बिना अपने आप को वेट लॉस करे कंसीव का सोचो भी मत। मैंने कल इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था नेहा का, नेहा ऐसी थी और अब ऐसी हुई हैं, शी इज़ 5 मंथ प्रेगनेंट, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, अमेजिंग इंच लॉस। एंड टू बी ऑनेस्ट, जैसे ही मैंने मेंटेनेंस पे डाला, विद इन 20 or 25 days या मंथ के अंदर मेरे पास न्यूज़ आ गई थी कि मैम आई एम प्रेगनेंट। नेक्स्ट, ये पेशेंट है मेरे इस तरीके के एंड ये यहाँ से यहाँ तक आए हैं PCOD। उसके अलावा 13 ऐसे मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो कि बहुत ह्यूज तरीकों से अपने आप को PCOD क्योर करके आए हैं। एंड मैं आपके सामने अपना लाइव एग्जाम्पल हूँ, मैं इस तरीके से दिखती थी, टू बी ऑनेस्ट आज मैं आपके सामने हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आपने स्किन ट्रीटमेंट लिया है क्या, कुछ इंजेक्शंस लगाए हैं, आपकी स्किन क्लियर कैसे हुई है, या फिर बहुत सारी क्रीम की कोई कंपनीज़ हैं, मॉइस्चराइज़र कंपनीज़ है जो मेरा बिफोर एंड आफ्टर पे अपना
सामान बेचती हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास इस तरीके से आती हैं। मुद्दा एंड ऑफ द रिजल्ट इज आपको अपने आप को ठीक करना है, और ऐसा नहीं है आप ठीक नहीं हो सकते हैं, आप बहुत आसानी से अच्छे से ठीक भी हो सकते हैं। PCOD का डाइट जो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट करने वाला बंदा इस डाइट से बड़े आराम से 10 से 12 किलो ईजिली लूज कर सकता है विद इन अ मंथ स्टार्टिंग का वेट बहुत ही आसानी से। बट करने के लिए 5 से 6 चीज़ें आपको बेसिक चाहिए। सबसे पहली चीज़ आप अपने ब्लड टेस्ट कराएंगे, वाइटामिन D3, B12, आयरन, HB लेवल, प्री डायबिटिक, HbA1c, पिछले 3 महीने का सबसे इंपॉर्टेंट, अपना BP ज़रूर चेक कराएंगे, एंड अपना थायराइड लेवल प्लीज़ चेक कराएं कि आपका TSH कितना आ रहा है, उसके बाद जाके आप कोई भी डाइट स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2, आपको कोई भी एक पर्सन अपॉइंट करना है अपने लिए कि भाई साहब ये एक पर्टिकुलर बंदा है जिसको मुझे डेली का वेट अपडेट देना है। कोई ज़रूरत नहीं आपको किसी के पास भी पैसे खर्च करने की, यू नो कि भैया तुम फीस लो या तुम ये करो। सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे बतेरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करो, किसी एक बंदे को पकड़ो जिसको आप डेली का अपना वेट अपडेट दे पाओ। डेली सुबह उठ के एक टाइम फिक्स करोगे कि इस टाइम पे मैंने सामने पर्सन को वेट अपडेट देना है। नंबर 3, स्लीप, 6 से 7 घंटे या 7 से 8 घंटे का नींद, कम से कम 6 घंटे, मैक्स 8 घंटे, इस टाइमलाइन के अंदर इतने घंटों की नींद आपको चाहिए ही चाहिए। विंटर्स हैं, रातें लंबी होती हैं, 6 से 7 घंटे भी चल जाएगा। मेक श्योर वो एक झटके की नींद हो। अगर आप दिन में 3 घंटे निकाल रहे हो, रात में 3 घंटे निकाल रहे हो, स्लीप ठीक नहीं कर रहे हो, भूल जाओ, आपका 2 किलो भी वजन गिरेगा। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, पानी का इंटेक। पानी सिप सिप करके पूरे दिन पियेंगे, एक झटके में पानी मत पीना, बॉडी को झटका लग जाता है और बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है कि ये क्या आ गया एकदम से मेरे पास, और मुझे इसको किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है और किस तरीके से फिल्टर करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट। प्रॉब्लम है, सबके पास है, आपके लाइफ में, मेरी लाइफ में। हम तो सोशल मीडिया पे एक सुंदर बन ठन के फोटो खिंचवाना एक काइंड ऑफ पार्ट ऑफ आर बिजनेस है, बट प्रॉब्लम सबकी लाइफ में, आपकी लाइफ, हमारी लाइफ, मेरे जितने मेंबर्स बैठे हैं उनकी लाइफ, क्या करेंगे, रोएंगे धोएंगे, स्ट्रेस लेंगे, एंड में बॉडी ख़राब होगी। आज नहीं जागोगे 4 साल बाद जागोगे, तो आज ही जाग जाते हैं कि भैया इन सब सिचुएशन से कुछ मिलना नहीं है, होना नहीं है। सो मिलकर अपना वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एंड ये बहुत ही ईजी है, ट्रस्ट मी, ये सब आपका माइंड गेम है। अगर आपने माइंड फिक्स करा, आप ईजिली आराम से अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। एंड सबसे अलग और सबसे बढ़िया बात, गुस्सा मत करना, बिल्कुल मत करना। अगले दिन वेट 1 से 1.5 किलो बढ़ा हुआ आएगा, डीमोटिवेट हो जाओगे, और सीरियसली बताऊँ वेट लॉस करने का मन ही नहीं करेगा। मेरा लोगों का डाइट बनाने का मन नहीं करता जो चीट करके आते हैं एंड बोलते हैं कि हमारा वेट कैसे बढ़ा, हमें पता ही नहीं है 1.5 से 2 किलो। टू बी ऑनेस्ट सबको पता होता है, डाइट बनाने का मन नहीं करता अंदर से उन लोगों का। सो अब हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं किचन में और बनाते हैं इस डाइट चार्ट का मॉर्निंग ड्रिंक। चलिए, यहाँ पे मैं बना रही हूँ मॉर्निंग ड्रिंक, ये रहा मेरा फ्राई पैन। इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरा 1 कप जितना पानी, बेसिकली हमें शॉट बनाना है। ये डाल दिया मैंने 1 कप जितना पानी, पानी ऑलरेडी मैंने गर्म किया है कैटल से, टाइम बचाने के लिए, राइट, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी होती है हमारे पास। सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मेरी अदरक, कद्दूकस की हुई 1/2 चम्मच जितनी अदरक। नेक्स्ट मेरे पास है अजवाइन, ये है पिंच ऑफ अजवाइन, सिर्फ पिंच ऑफ अजवाइन जितना अजवाइन ही हमें इसमें ऐड करना है। अब हम इसे बॉईल होने देंगे अच्छे से कम 2-3 तेज उबाले लगाएंगे, उसके बाद हम इसे छानेंगे। ओके जी, सो मैं वेट कर रही हूँ कि ये पानी अच्छे से बॉईल हो। ये हो गया है हमारा पानी रेडी, और अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे। तो ये रही हमारी मॉर्निंग ड्रिंक। सिप सिप करके पियेंगे वरना मुंह जो है बिल्कुल जल जाएगा। ना मॉर्निंग ड्रिंक के अंदर मैं यहाँ पे देना चाहूंगी आपको 2 ऑप्शंस, एक जो कि हमने अभी किचन में टी बनाई है, 2 आप जूसेस लेंगे। रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे जूस डाइट अपलोड की थी जिसमें 3 जूसेस का जिक्र किया था। एक दिन आप ये वाला ड्रिंक लेंगे, एक दिन आप इन 3 जूसेस में से कोई भी एक जूस पिक करेंगे, इम्यूनिटी पक्की, स्किन ग्लो पक्का, हेयर फॉल 0, और आपा चलेंगे PCOD को फाइट करने के लिए, करेक्ट। अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट के लिए सीजन के हिसाब से हम बनाएंगे बाजरा की रोटी विद मूली की स्टफिंग के साथ। वो बनानी कैसे है, चलते हैं किचन। मॉर्निंग में हम बना रहे हैं बाजरे एंड मूली वाली रोटी।
सुबह में चाहिए ताज़ी मूलियाँ, इस समय बहुत अच्छे से आ रही है मूली, इसको यूज़ करो अपनी डाइट में। फटाफट हम इसे पील करेंगे। इसको पील करने के बाद हम इसे ग्रेट करेंगे अच्छे से। चलिए जी, अब हम बनाने जा रहे हैं बाजरे एंड मूली की रोटी। सो ये है बाजरे का आटा, एक कटोरी ये मैंने डाल दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट मेरे पास है कद्दूकस की हुई मूली। अब जो ये मूली है ये भी मैं सारी की सारी इसमें डाल रही हूँ। आप देख सकते हो मूली की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आटा। नेक्स्ट पानी में ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, बट गर्म पानी थोड़ा सा डालूंगी ताकि मेरा आटा गूंज जाए। बस गर्म पानी डाला है मैंने इसके अंदर, बहुत तेज़ गर्म पानी। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरा पिंच ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट अजवाइन। नेक्स्ट कस्तूरी मेथी। नेक्स्ट मेरा सूखा धनिया पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, क्योंकि गर्म पानी इसके अंदर गया है। हम कम से कम 5 मिनट के लिए इसे एज इट इज रख देंगे ढककर। 5 मिनट के बाद इसको गूंदेंगे, उसमें संजना हमारी हेल्प करेगी। आ जाओ संजना जी, क्योंकि हमारे नेल्स हैं। संजना गूंद लो। सो ये लिया मैंने अपने हाथ में घी, संजना ने हमारे लिए आटा गूंद लिया था। आटा ले लिया मैंने यहाँ पे, यहाँ इस टाइप के आटे की रोटी बनाने से पहले नीचे ना आप बिल्कुल क्लीन किया हुआ रोटी वाला कपड़ा रखेंगे, उससे दो बेनिफिट्स होंगे। बेलने के बाद बड़े आराम से आपकी जो रोटी है वो उतर जाएगी। तवा मेरा हो रहा है तेज गरम। ये रोटी देखो इतने प्यार से उतर गई हमारी, आराम से पक लेगी ये रोटी हमारी। ये रही हमारी बाजरा की रोटी, और इसके ऊपर हम डेफिनेटली ऐड करेंगे हमारा देसी घी। और साथ में आप कोई सी भी सब्जी ऐड कर सकते हो, कोई सी भी सब्जी एज पर योर चॉइस। इस ब्रेकफास्ट के खाने के बाद 1 से 2 रोटी आप ले सकते हो। इस ब्रेकफास्ट के खाने के बाद आपको भूख ही लगेगी 2 बजे के करीब, 2-2.5 बजे। बीच बीच में अगर आप सब कुछ डालते चले जाओगे अपनी बॉडी में एज पर दी टाइमिंग्स, आपका भूख बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब जिनको बाजरा की चपाती नहीं खानी है कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे चैनल पे बतेरी स्टफ रोटीज मैंने डाली है, रिसेंटली डाली है। ओट्स का चिल्ला डाला है, आप इनमें से कोई भी स्टफ रोटी ले सकते हैं, ओट्स का चिल्ला ले सकते हैं, साथ में आपकी गर्मा गर्म मिल्क टी एंड कॉफी विदाउट शुगर। अब लोग बोलते हैं कि चाकरी पाउडर डाल लूँ, खांड डाल लूँ, कतई नहीं डालना जाने मन। विदाउट शुगर चाय पीने की आदत डालो, कोशिश करो चाय हटा दो, बट नहीं हटेगी तो फिर ले लो। अब सर्दियां हैं और वेट लॉस का डाइट है और हमें तिल के लड्डू ना मिले, ऐसी कैसी बात है जी। नहीं मिलेगा तो चलते फिरते मीठे की क्रेविंग में एक आधा हाथ पैर चल ही जाएगा। सो हम हाथ पैर नहीं चलाते हैं, क्रेविंग को किल करते हैं। मिड ब्रेकफास्ट के लिए हम बनाएंगे तिल के, कोकोनट के और मेथी के लड्डू। बहुत ही अच्छा सोर्स है इस PCOD के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है PCOD वाले लोगों के लिए। इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है एंड ये इतना कमाल का, आपको अगर लगातार आप तिल के वाले लड्डू 1 महीना खाएंगे ना, और जब आपका पीरियड्स का फ्लो निकलेगा इतना कमाल का निकलेगा, आप पर्सनली फील करोगे कि मेरी बॉडी अंदर से कितनी क्लीन हो गई है। और उसके पीरियड्स के फ्लो ख़त्म होने के बाद 10 से 12 दिन के बाद आप नोटिस करोगे आपकी स्किन बहुत अच्छी ग्लो कर रही है। आप बिल्कुल जब अंदर से प्योर हो जाओगे, क्लीन हो जाओगे, सब कुछ फ्लश ऑफ हो जाएगा आपका अंदर का सामान, आपकी स्किन का जो ग्लो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। सो स्किन को ग्लो करते हैं, फ्लो को बहुत अच्छा करते हैं पीरियड्स का, और चलते हैं किचन में और बनाते हैं तिल के लड्डू। चलिए जी, हम बनाने जा रहे हैं तिल वाले लड्डू। उसके लिए यहाँ पे मुझे चाहिए साबुत धनिया के दाने। नेक्स्ट मुझे चाहिए यहाँ पे मेथी के दाने। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है सफ़ेद तिल। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है नारियल, मैंने छील के रखा है। सबसे पहला स्टेप, ये 1 वीक का हम बनाने जा रहे हैं अपने लिए लड्डू। सबसे पहला स्टेप मुझे ब्लेंडर लेना है, ब्लेंडर के अंदर मैं ये नारियल डाल दूँगी सारा। इसमें डालूँगी हल्का सा पानी ताकि ये ब्लेंड हो जाए खूब अच्छे से। दैट्स इट, अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है मेरी कढ़ाई, इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ मेरा
मेथी दाना। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे सेसमे, व्हाइट सेसमे, सफेद तिल। नेक्स्ट सूखा धनिया। खूब अच्छे से हम इन सबको पकाएंगे, खूब अच्छे से, सेम आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए। ओके जी, सो ये सारा इंग्रेडिएंट हम डाल देंगे हमारे ब्लेंडर में, जैसे ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा। अब इस सबको हम ब्लेंड कर देंगे। ओके जी, सो यहाँ पे ये हमने डाल दिया ग्राइंड किया हुआ हमारा मिक्सचर। नेक्स्ट इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा कोकोनट जो कि हमने ब्लेंड करा था, पीस रह गया। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरा जैगरी पाउडर, एज पर योर टेस्ट कम ही डालना जी। नेक्स्ट इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ओके जी, सो बिना घी का हमने लड्डू बनाया पहली बार, घी की हमको कोई जरूरत नहीं पड़ी। ये बन गया जी हमारा लड्डू। ऐसे करके हम इस लड्डू को बना के रख देंगे, चाहे आप बाहर भी रख दो 1 हफ्ते के लिए, ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। ये रहे जी हमारे लड्डू पूरा वीक का तैयार। इसको हम कर देंगे डब्बा बंद और रख देंगे बाहर, एयर टाइट कंटेनर में हमने इसे रखना है। वेलकम बैक जी, आप तिल का लड्डू भी खा लिया, अब थोड़ा सा हम लंच में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना। लंच के लिए हम बनाएंगे मेथी दाल। मेथी दाल बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही यम्मी है, विंटर्स की रेसिपी है। और मेथी दाल ना बनाने में हार्डली लगता है 15 से 20 मिनट, चलते किचन में और बनाते हैं। लंच में हम बनाने जा रहे हैं दाल एंड मेथी। ये रहा मेरा कुकर, इसमें मैंने ले लिया ऑयल थोड़ा सा। इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल दूंगी मेरा जीरा, चलिए जी आप इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरे 2 टमाटर, इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरी 1 करछी जितनी दाल, मूंगे की दाल। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरे मेथी, 1 गुच्छी मेथी। मैंने अच्छे से साफ करके इसे पहले 3 बार सिंपल पानी से और 1 बार गर्म पानी से वॉश करा है। इसमें बहुत मिट्टी होती है, सो मेक श्योर आप अच्छे से इसको वॉश करो। परफेक्ट। नेक्स्ट इसके अंदर अब हम डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हींग पाउडर, दैट्स इट। और अब हम इसे विसल लगवाएंगे। पहले हम इसमें पानी डालेंगे 1 करछी जितना बस, और हमें इसमें पानी नहीं डालना। अब हम इसे विसल लगवाएंगे, हम इसे 3 विसल लगवाएंगे, 1 तेज आंच पे, 2 सिम आंच पर। ये रहा हमारा लंच एंड इट्स रेडी। अच्छा, मेथी दाल खाने का मन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बनाएंगे मखाना और पनीर ग्रेवी। यम्मी रेसिपी, यम्मी यम्मी यम्मी। जो जो लोग वेट मेंटेनेंस में हैं, मखाना और पनीर की ग्रेवी बनाओ चावल के साथ, ब्राउन राइस के साथ, किनुआ के साथ, रोटी के साथ, मूली का सलाद हो गया, हरी चटनी हो गई, उसके साथ अपना लंच इंजॉय करो। लेकिन जो जो लोग पीसीओडी डाइट कर रहे हैं वो सिर्फ मखाना और पनीर की ग्रेवी का बाउल खाएंगे, और वो बनाना कैसे है जी, चलते हैं किचन में। नेक्स्ट रेसिपी है हमारी मखाना एंड पनीर ग्रेवी। ये डाल दिया मैंने तेल यहाँ पर। अब इसके अंदर हमको ऐड करना है जीरा। इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी मेरे प्याज, नेक्स्ट इसके अंदर मेरे पास है यहाँ पे टमाटर, दो टमाटर जितना यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड किए हैं। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा हल्दी पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा हींग पाउडर, थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर,
खूब अच्छे से हम इन सबको मिक्स करेंगे। एंड नाउ इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारे मखाना, एक कटोरी जितना मखाना मैंने इसमें ऐड करा है। खूब अच्छे से इसको मैं मिक्स करूंगी। ओके, इसके अंदर अब मैं डालूंगी मेरी दो करछी जितना पानी, एक दो परफेक्ट, और अब हम इसको कवर कर देंगे। हम इसे विसल लगवाएंगे, सिर्फ दो विसल। तो ये दो विसल में हमारा बन गया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारा 50 ग्राम्स ऑफ पनीर। मेक श्योर इट शुड बी टोफू पनीर ओनली, स्पेशली फॉर पीसीओडी। नेक्स्ट खूब अच्छे से इन सबको मिक्स करेंगे। ये रहा हमारा लंच। अब हम बात करते हैं लंच के ऑप्शंस की। लंच में अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं लेनी, ना मखाना पनीर लेना है, ना ही आपने मेथी दाल लेना है, तो अगला क्या लेगा बंदा? ब्लैक चना सैलेड, मेरे चैनल बेस की रेसिपी है, वो भी नहीं लेना। कोकोनट स्मूदीज, मेरे चैनल बेस की रेसिपीज है, कोई से भी एक स्मूदी आप पिक कर सकते हो, ये भी नहीं चाहिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। मूंग दाल का सैलेड, मेरे चैनल बेस की रेसिपी है, वो भी नहीं चाहिए जी, छोड़ देते हैं जी। मसूर दाल का रैप, ये रहा, बहुत ही यम्मी है, आप इनमें से कोई भी रेसिपी अपनी पिक कर सकते हैं और अपनी डाइट को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी इवनिंग ड्रिंक की। इवनिंग की ड्रिंक में बीट रूट, रूट से निकली हुई सब्जियां इस समय बहुत अच्छी चल रही हैं, एंड मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी आप अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल के अंदर रूट से निकली सब्जियां डेफिनेटली ऐड करें। हम बनाएंगे बीट रूट के पील की टी, कमाल की टी, कमाल के इफेक्ट्स हैं उसके बहुत सारे। हम पहले फटाफट किचन में चलते और बनाते हैं बीट रूट के पील की टी, एंड उसके बाद मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताती हूँ। ओके जी, अब हम शाम को बना रही है हमारी बीट रूट की पील की टी। ये ले लिया मैंने एक कप पानी, इसके अंदर मेरे पास है बीट रूट के छिलके जो कि मैंने अभी अभी गर्म पानी से वॉश करे हैं, और ये मैंने बीच में डाल दिए। ओके जी, नेक्स्ट ये रहे मेरे पास छोटी सौंफ, पिंच ऑफ छोटी सौंफ, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इसे बॉईल होने देंगे अच्छे से। ये रही हमारी टी। और ये रहा हमारा साथ में स्नैक, हैंडफुल ऑफ भुना चना, 10 से 15 बादाम या 200 की अखरोट आप ले सकते हो अगर आपके बजट के, नहीं तो भुना चना सही काम करेगा हमारे साथ। वेलकम बैक जी। बीटरूट पील की टी क्या करेगी? सबसे पहले आपकी बॉडी के जितने भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हैं उन सबको बाहर करेगी। आयरन का सोर्स है, उससे सबसे अच्छी बात है जिन जिन लोगों की पीसीओडी की वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैचेस आ चुके हैं और बिल्कुल भी उनका हेयर फॉल ठीक नहीं हो रहा, हर तरीके के इलाज उपाय पैसे फूक चुके हो, मेरी बीटरूट की टी ट्राई करना, कमाल के इफेक्ट्स देखेंगे। सेकेंड इज आपकी बॉडी की स्वेलिंग उतरेगी। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, स्किन पे ग्लो आएगा, एंड जिन जिन लोगों का एच बी लेवल कम आता है, आयरन कम है, हीमोग्लोबिन कम है, जाने मन एक बार ट्राई करना एंड उसके एक महीने के बाद अपना एच बी लेवल एंड आयरन लेवल चेक कराना। डाइट तो करनी है, उसके साथ साथ प्रॉपर इलाज भी चाहिए ना, तो हम बीट रूट टी लेंगे पूरा 1 मंथ, बीट रूट के पील की टी। अब हम चलते हैं किचन में, करते हैं डिनर की तैयारी। डिनर में पीसीओडी पेशेंट स्पेशली बहुत ज़्यादा ही लैक करते हैं रिलेटेड टू आयरन में। आयरन की कमी होना, आपके एच बी लेवल डाउन होना, आपका बाल बहुत ज़्यादा झड़ना, फेरेटिन कम होना, एंड उसके साथ साथ आप पूरा दिन लथार्ज फील करना कि बस पड़े रहो एक जगह, कुछ छेड़ो मत हमें, और हमारी पूरी बॉडी टूटी पड़ी है, कुछ करने का मन नहीं करना और एकदम लथार्ज की तरह ऐसे पड़े रहना। ऐसा मेरा हाल हुआ करता था 2016 में 17 में, बट पॉइंट इज कि धीरे धीरे खाने की हेल्प से, बहुत सारे फूड चीज़ें मैंने जो अपनी डाइट में ऐड करी उसकी हेल्प से हमारी काफ़ी चीज़ें ठीक होती हैं। हम बनाएंगे आयरन रिच सूप, और वो सूप कैसा है? बीटरूट, कैरेट, आंवला एंड कोकोनट, बहुत ही यम्मी सूप है। हम चलते हैं किचन में और बनाते हैं सूप। चलिए जी, हम डिनर के लिए बनाने जा रहे हैं सूप, और ये है सूप बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिंपल बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ। यहाँ पे पानी उबल रहा है, कोई ऑयल नहीं डालना है इसमें हमें, पानी उबल रहा है 1.5 गिलास। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरी 2 गाजरें, ये डल गई जी गाजर। ये है मेरे पास घिया, 1 से 2 स्लाइस घिया है ये,
नेक्स्ट ये रहा मेरे पास अदरक, अदरक को मैं थोड़ा सा कट कर लूँगी। सो ये रहा मेरे पास अदरक गया। ये है मेरे पास हाफ बीटरूट, ये रहा आधा बीटरूट मेरे पास, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसे विसल लगवाएंगे, 3 विसल, 1 तेज आंच पे 2 सिम आंच पर। ओके जी, सो ये रहा हमारा सूप। कोशिश करो विदाउट सॉल्ट चल जाए आपको, नहीं चला तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। वेलकम बैक जी। अब जिन जिन लोगों को ये सूप ही नहीं पसंद, मैं नहीं पी रही जी महीना पर ये वाला सूप, हम बनाएंगे कैरेट एंड कोकोनट सूप। बहुत ही यम्मी रेसिपी है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ही फिलिंग है, भूख नहीं लगेगी, क्रेविंग नहीं होगी रात को डिनर की। चलते हैं किचन में और बनाते हैं कैरेट एंड कोकोनट सूप। नेक्स्ट सूप हमारे पास है कैरेट एंड कोकोनट सूप। क्रीमी सूप बनेगा ये और बहुत ही फिलिंग है और बहुत ही यम टेस्ट है इसका। हमने इसमें डाल दिए हैं कुकर में हमारे 2 कैरेट, ऑरेंज कैरेट, रेड कैरेट, जो आपकी प्रेफरेंस हो। इसमें डाल दिया है मैंने आधा मेरा नारियल, पूजा वाला नारियल, सूखा नारियल, जो भी नारियल आपको मिल जाए बढ़िया है। इसको कुछ नहीं करना है, इसको विसल लगाएंगे हम। 5 विसल लगेगी इसको, 5, पहली कम आंच पे, दूसरी तेज आंच पे। ये हमारा विसल के बाद रेडी है, हमने इसे 5 विसल लगाई हैं, 1 तेज आंच पे, 5 सिम आंच पर। और अभी इसको रूम टेम्परेचर पे होने देंगे, बहुत गर्म है, उसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे। ओके जी, टाइम फॉर ब्लेंड। मेरा जी हमारा ब्लेंड किया हुआ सूप ये डाल दिया जी मैंने यहाँ पर। ये बहुत ही क्रीमी सूप बनेगा हमारा, इसको खूब अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। ओके जी, सो ये रहा हमारा सूप एब्सोल्युटली रेडी। एंड कोशिश करना विदाउट सॉल्ट हम इसको लें, सॉल्ट के साथ बिल्कुल मत लीजिएगा। वेलकम बैक जी। जिन लोगों को ये भी नहीं लेना छोड़ दो जी, अगली चीज़ मेरे चैनल पे है दाल किया सैलेड, दाल पीठा सैलेड। उसके अलावा जी कुछ भी लेने का मन नहीं है आपको, पपीता ले लो डिनर के अंदर, वो भी लेने का मन नहीं है जी मेरा, तो मैं तो नहीं लूँगी। पालक स्मूदीज ले लो, मेरे चैनल पे इतनी सारी रेसिपीज हैं। पालक का बाउल ले लो, मेरे चैनल पे पालक के बाउल की 3 रेसिपी है, तीनों में से कोई भी एक पिक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की। नाइट ड्रिंक के अंदर हमें एक ऐसी टी चाहिए जिससे हम सो भी जाएं आराम से, हमारे को कफ कंजेशन भी ना हो और हम अगली सुबह एकदम फ्लश ऑफ करें अपना टमी को और वेट चेक करें, हमारा वेट कम आना चाहिए। मुद्दा इस वजन भी कम आना चाहिए, हम हेल्दी भी होने चाहिए, फिट भी फील करना चाहिए। सो नाइट ड्रिंक क्या बनानी है, जिससे हमारा डिटॉक्स भी हो, अच्छे से हम क्लीन भी हो जाए मॉर्निंग में उठ के, नींद बड़ी प्यारी सी आ जाए और उसके बाद मॉर्निंग में हमारे को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। चलते हैं किचन में और बनाते हैं नाइट ड्रिंक। जी हमारा नाइट ड्रिंक हम बना रहे हैं, ये लिया मैंने। ओके, नाइट ड्रिंक के लिए ये रहा मेरे पास पानी। इसके अंदर जी मैं डाल रही हूँ मेरी 1 मोटी काली इलायची। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी मेरा पिंच ऑफ केसर, 3 से 4 धागे केसर के, बस 4 धागे केसर के, केसर ज़्यादा नहीं डालना, लूज मोशंस हो जाएंगे। नेक्स्ट इसको हम उबलने देंगे अच्छे से। इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी बिल्कुल पिंच ऑफ जैगरी पाउडर। नेक्स्ट ये रही हमारी ड्रिंक। इसको हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे और ये रही हमारी नाइट ड्रिंक। ओके जी, सो ये था हमारा पूरा डाइट चार्ट रिलेटेड टू पीसीओडी। एंड मेक श्योर आप पीसीओडी से फाइट करो, किसी भी टाइप का कोई पिल मत लेना, ना पेन किलर, ना ही 21 दिन की गोलियां, ना ही मेप्रेट आपका। सो ये वाली कोई भी दवाइयां आपने किसी भी टाइप की नहीं लेनी है। अगर आपकी 21 दिन की गोलियां चल भी रही है, मैं तो सीधा बोलूंगी उसको बंद कर दो, वेट लॉस करो, लाइफस्टाइल ठीक करो, नेचुरली पीरियड्स को आने दो। अनदर पार्ट, अगर पेन बहुत ज़्यादा होता है देन मेक श्योर आप अजवाइन टी कंटिन्यूसली 1-2 बार आप पी लो, बट पेन किलर कतई मत लेना। अनदर पार्ट, आप अपनी बॉडी को हीट दीजिए, जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पीरियड्स का, तिल का लड्डू खा सकते हैं और उसके बाद गर्म पानी की सिकाई भी कर सकते हैं। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस डाइट गाइस, मेक श्योर सेव योर मनी, मेक श्योर आप अपने आप को बहुत अच्छे से फिट करो, ठीक रखो, ठीक रहो, मेंटली स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, अंदर से फिट हो। एंड शादी आ रही है यार, अच्छे से कपड़े पहनो, अपने आप को न्यू ईयर आ रहा है और अपने आप को थोड़ा अच्छे से फ्लॉन्ट करो, बड़ा ठीक से कपड़े कुपड़े पहनो और मस्त मस्त फोटोज मुझे भेजो। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, लूज योर वेट 10 से 12 kgs इन जस्ट 1 month एंड मेक श्योर आप अपने आप को फिट करो परफेक्टली, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली।
सो दैट्स इट, टेक केयर जी, नमस्ते, बाय बाय।